नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिरोंज तहसील के वन परिक्षेत्र में करीब 30 वर्ष से बंजारा समाज के लोग निवास कर रहे थे, जिनको सरकार ने पंचायत के माध्यम से कुटीर शौचालय आदि बनवा कर दिए। अब वन विभाग द्वारा बगैर पूर्व सूचना के इन परिवारों के आशियाने उड़ा दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। एक ओर सरकार गरीबों को आशियाना देने की बात करती है, तो वहीं उसी का प्रशासन तानाशाही पूर्वक कार्रवाई कर रहा है। वन विभाग की तानाशाही कार्रवाई से 30 परिवार बेघर हो गए हैं, जो विस्थापन की मांग कर रहे हैं। एक्चुअली ये वृक्षारोपण क्षेत्र में सिर्फ वृक्षारोपण होना है इसमें जुलाई में, इसकी क्षेत्र तैयारी का कार्यक्रम कार्य चल रहे हैं। इसी दौरान यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी थे उनको 80A के तहत नोटिस जारी करके बेदखली की कार्रवाई वरिष्ठों के मार्गदर्शन में की गई है। 3 तारीख को जो फॉरेस्ट जो विभाग ने जो इन बेलदार समाज के टपरे तोड़े हैं, ये सरकार के विरुद्ध है। भाई जो आदमी 30 साल से वहाँ पर रह रहा है और वो अपने पालन पोषण बच्चों का कर रहा है, उनके लिए आप नोटिस देके तुड़वाते या उन्हें सूचना देते। ये तो बोल रहे हैं सभी लोग चिपका के, और इनने उन्हें नहीं बताया कि तुम्हारे टपरे टूट रहा है भाई किसान वाला। भाई ये तो कोई सरकार के विरुद्ध काम है। विदिशा से विजय रघुवंशी विद्रोही की रिपोर्ट।